नमस्कार, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से, जहां नंदगंज थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने 3 दिन के अंदर क्षेत्र के लगभग दर्जनों ग्राहकों के लाखों रुपए उड़ा दिए, जिससे ग्राहकों में हड़कंप मच गया है और वो अपने धन को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ग्राहकों के खाते से साइबर ठग लगातार रुपए उड़ा रहे हैं, जिससे बैंक में पैसा रखने में ग्राहकों के मन में एक डर समा गया है। पीड़ितों ने बैंक के उच्चाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर अपने खाते से रुपए कटने की शिकायत किया, किंतु अभी तक रुपया गायब होने का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे खाताधारकों में आक्रोश व्याप्त है। नंदरगंज के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में स्थानीय लोगों ने अपना खाता खोला है। खाताधारकों में क्रमशः अजय तुलसियान के 20,000, अनिल बरनवाल के 19,500, आयुष अग्रवाल के 30,000, हीरालाल यादव के 10,000, भाजपा नेत्री रुद्रा पांडेय के पिता के 20,000 रुपए तथा सोनू बरनवाल के खाते से 10,000 रुपए निकलने का मैसेज आया, तो उन्होंने शाखा पर पहुंचकर उसकी साथ की। शाखा प्रबंधक ने तत्काल 19,370 डायल कर उनका खाता साथ करा दिया। नंदरगंज थाने में क्राइम ब्रांच देख रहे सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत सर्वप्रथम बैंक में करें, तत्पश्चात साइबर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज करवाएं। अभी तक साइबर ठगों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 20, भारतीय स्टेट बैंक से 9, इंडियन बैंक से 3 खाता धारकों समेत कुल 32 को निशाना बनाया है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट। परिचय देते हुए बताएं, क्या है पूरा मामला? कुमार बरनवाल है, हम SBI खाते के धारक हैं। हमारा 4/9/2021 को 10,000 रुपया, 5/9/2021 को 9,999 रुपया, 20,000 रुपया टोटल लमसम कटा, जिसमें कि 10,000 रुपया जनवरी महीना में आ गया, 10,000 रुपया अभी तक नहीं आया। फिर अभी तक उसका कंप्लेंट मैंने साइबर सेल में भी दिया और SBI में भी दिया, एप्लीकेशन दे दिया, उससे अभी पैसा रिकवरी नहीं हुआ। तब से हमारा 10/7/2022 में 10,000 रुपया हमारा फिर कट गया खाते से, और आज तक अभी तक मैंने एप्लीकेशन इसमें दे दिया SBI में, और साइबर सेल में अभी हमने दिया नहीं है। 24 घंटे में देने के लिए बोला गया था, मगर हमको मैसेज द्वारा जानकारी नहीं हुआ, 2-3 दिन बाद जानकारी हुआ, इस वजह से हम एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं कर पाए। अब जाके हम साइबर सेल में अपना एप्लीकेशन देंगे। अब तक नहीं आया, मगर अभी तक पैसा हमारा वो 9,999 नहीं आया, और ये 10/7/2021-22 को पैसा हमारा कटा हमारे खाते से, ये तो अभी नया कटा है। टोटल हमारा 20,000 रुपया अभी खाते से हमारे गायब है, जो अभी तक आया नहीं आना। मैं ब्रांच मैनेजर से भी संतुष्ट नहीं हूँ, जो कार्रवाई करे और संतुष्ट हो, क्योंकि वो हमने लिखकर करके सिर्फ टाटे गए, हमने 10 बार चेक कर। कौन है इस समय SBI के? तो अजय कुमार उपाध्याय है, ब्रांच मैनेजर इस समय नए आए हुए हैं। इनके आने में जब से ज्वाइनिंग किए तब से हमारा 10,000 रुपया फिर कट गया, वो उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो करते रह गए, मगर हमारा कोई निवारण नहीं हुआ। चे देते हुए बताएं, क्या है पूरा मामला? सर, मेरा नाम अखिलेश कुमार जायसवाल है, मेरा अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नंदगंज, मेरे खाते से 9/10/2022 को 10,000 रुपया और 10/7/2022 को 10,000 रुपया, और फिर दूसरे अकाउंट से ही मेरे खाते से 10/7/2022 को 10,000 और फिर 11/7/2022 को 10,000 रुपया निकाल लिया गया। जब हमको इसका पता लगा, मेरे मोबाइल पे जब मैसेज आया, तो मैं इसकी सूचना जब यूनियन बैंक में देने गया तो पता चला कि हाँ, इतना पैसा आपके अकाउंट से निकाल लिया गया है। तो हम यूनियन बैंक के मैनेजर साहब से बोले कि सर, हम लोग अपना पैसा आपके बैंक में सेफ्टी के लिए रखते हैं, इसी तरह किसी के द्वारा कैसे निकाल लिया गया? तो यूनियन बैंक के मैनेजर द्वारा बोला कि इसका हमको पता नहीं है। फिर बोले कि आप FIR करा के आइए तो हम देखते हैं। फिर हम नंदगंज थाने में गए FIR करने के लिए, FIR करके लेकर आए तो इनके द्वारा बोला गया कि ठीक है, अब रख दीजिए आप कापी को, हम देखते हैं क्या कहाँ से कैसे पैसा गायब हुआ है। इसके बाद हम सर गए इनके हेड ऑफिस गाजीपुर गए तो वहाँ से बोला गया कि आप हमारे यहाँ अपने ब्रांच से मेल करवा के हमारे यहाँ भिजवाइए। तो हम जब यहाँ पे यूनियन बैंक पे जब आए, मैनेजर साहब क्या बोल रहे कि सर, वहाँ हेड ऑफिस बोला गया है कि आप वहाँ हेड ऑफिस मेल करके भेजें। तो इनके द्वारा बोला गया कि अभी हम खाली नहीं हैं,
जब हम खाली रहेंगे तब हम भेजेंगे, आप अभी यहाँ से आप जाइए। इसके बाद सर हम चले आए, फिर दूसरे दिन जब अपना पासबुक जब हम प्रिंट कराए तो हमको पता चला कि हमारे भी खाते से पैसा निकला हुआ है 20,000। फिर हम आए तो इनके द्वारा हमसे उनसे मतलब कहा सुनी होने लगा मैनेजर साहब द्वारा। मैनेजर साहब बोले कि हम आपका पैसा वापस नहीं करवाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिएगा, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मेरे घर के लोग बहुत उच्च पद पे हैं। इसके बाद सर ये बोले कि हमारे विषय में आप पता कर लीजिएगा, हम ग्रैंड पैलेस गाजीपुर में रहते हैं 90,000 रुपये महीने पे भाड़े पे लेकर, और सर इनके द्वारा अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि हम आपका पैसा वापस नहीं कराएंगे। सर परिचय देते हुए बताएं, जो इस समय साइबर फ्रॉड हो रहा है इसके बाबत आपका बैंक क्या कार्रवाई करता है, कस्टमर क्या करे, रिकवरिंग के लिए कितना समय लगता है? मैं शिवशंकर, यहाँ का LDM हूँ यूनियन बैंक का, और जब कोई मामला इस तरह का मामला लोग लेके आते हैं तो उनको चाहिए कि जिस शाखा से संबंधित ये मामला है वहाँ के ब्रांच में जाके लिखित आवेदन करें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और यदि अमाउंट 10,000 से ऊपर का हो तो ऐसे मामले में साइबर सेल जो होता है उसको वहाँ भी सूचित करें, ठीक ना। और इसके साथ जो अपना जो आवेदन दें तो उसमें आधार का भी कॉपी संलग्न करें, और यदि आधार से यदि मामला हुआ है तो एकदम जल्द ही आधार को अपने खाते से डीलिंक करवाएं ताकि आगे कोई इस तरह का ना हो पाए फ्रॉड। और जब कोई इस तरह का मामला हम लोग के पास आता है तो हम ऊपर भेजते हैं, जिसका निस्तारण आमतौर से 90 दिन के अंदर हो जाता है। शाखा स्तर से सहयोग के लिए क्या अपील करेंगे? शाखा स्तर से यही सहयोग होता है कि जैसे ही हमारे पास इस तरह का आवेदन आता है हम अपने ऊपर के ऑफिस को डायरेक्टली तुरंत भेज देते हैं इंक्वायरी के लिए कि ये मामला कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरह से निदान होगा, ठीक ना।